नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर से केवटी वाले मार्ग की बात आज हम कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह मार्ग आगे जाकर के सोहागी हाईवे से जुड़ता है, जो मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ता है, और यहां से यात्री प्रयागराज का सफर करते हैं। लेकिन जिस मार्ग की हम बात कर रहे हैं, वहां रोड का नामो निशान भी कहीं दिखाई नहीं देता है। आज हम उसी उबड़ खाबड़ मार्ग, या फिर कह चुके कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके मार्ग के बारे में आपको अवगत कराने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिखाई जा रही इस रोड का क्रियान्वयन सरकारी स्तर पर किया जाएगा, और आने वाले दिनों में सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस खस्ताहाल मार्ग के बारे में भी कोई हाल खबर ली जाएगी। तो आइए देखते हैं वो रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से खस्ताहाल ये रोड लोगों के लिए रोज नई दुर्घटना का लोगों के लिए एक नई दुर्घटना के लिए आमंत्रित कर रही है। आप मेरे पीछे आप ये देख पा रहे हैं जो ये रोड देख पा रहे हैं, यही वो रोड है जो रीवा सिरमौर मार्ग होते हुए सोहागी और प्रयागराज को जोड़ती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल के कण दिखाई देते हैं, और मुरुम से भटी हुई ये जो पूरी की पूरी गली है, जिसको एक पगडंडी के तरीके से कहा जा सकता है, देखने में सिर्फ एक पगडंडी की तरीके से दिखाई देती है। ये एक प्रसिद्ध मार्ग है, और आपको बता दें कि यहीं पास में ही केवटी का प्रसिद्ध किला है, जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी काफ़ी प्रासंगिक है। वहीं यहाँ आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे जो मंदिर, वो मंदिर भैरवनाथ का मंदिर है, जहाँ पर प्रत्येक वर्ष मेला लगता है। लेकिन इस मार्ग की हालत देख करके आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये मार्ग एक राजमार्ग से जुड़ता है और मध्य प्रदेश की सीमा को उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जगह जगह गड्ढे हैं और रोड का तो कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ धूल ही धूल है, और हालात इतनी खराब है कि लोग मुख्य मार्ग से ना जा करके चारों तरफ से पगडंडियां खोद चुके हैं। और आप देख पा रहे हैं जिस मार्ग से हम लोग भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस तरीके से कितना खस्ता हाल है। और यहाँ बगल से आप देख पा रहे हैं जो रोड नुमा एक रोड का कह सकते हैं कि खंडहर दिखाई दे रहा है। तो ये पगडंडियां हैं जो लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार बना रखी हैं, क्योंकि रोड तो है नहीं ना, तो यहाँ तो डामर दिखाई देता है और ना ही गिट्टियां है, तो रोड के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धूल और मुरुम से पटी हुई सड़क, चारों तरफ जंगल है। यहाँ इस मार्ग को अगर हमें 2 से 3 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा मार्ग है, इसे पार करना हो तो लगभग आधा घंटा लग जाता है, और अगर आप बाइक से आए या कार से आए तो ये मार्ग पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही घातक साबित होता है, और ना जाने कब आपका वाहन दुर्घटना का शिकार हो जाए। अभी बीते दिनों हम नहर हादसे को याद कर रहे हैं, बीते दिनों नहर हादसे में 52 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन जब ऐसी सड़कें होंगी तो किसी भी दिन हादसा हो सकता है, और वो हादसा कब होगा हम इसका सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि प्रशासन, सरकार और इसके लिए जिम्मेदार तबकों का कोई भी योगदान दिखाई नहीं देता है, उनकी कोई भी जिम्मेदारी रोड पर दिखाई नहीं देती है। आप ये पूरा का पूरा मार्ग देखें कि किस तरह से खस्ता हाल ये मार्ग है, जगह जगह बोल्डर पड़े हुए हैं और सिर्फ रोड के नाम पर मुरुम और धूल दिखाई देती है। अब आगे आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे जो ये मार्ग है, ये बैकुंठपुर से होते हुए केवटी को जाता है, और आगे फिर यही मार्ग सोहागी हाईवे से जुड़ता है। मेरे सामने आप देखेंगे ये लगा हुआ जो बोर्ड है, इलाहाबाद यहाँ से 90 किलोमीटर होता है, लेकिन इस सफर में दुर्घटनाओं को रोज हम आमंत्रित कर रहे हैं, और सरकार से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस मार्ग को एक सही रास्ता बनाने में मदद की जाएगी। देखते रहिए खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद।